अरे मत पूछिए, वो तो मतलब एक एक ऐसा पल था, क्योंकि मैंने सुना था और मैंने पढ़ा भी था न्यूज़पेपर में जी कि ये जो प्रेस्टीजियस डॉक्टरेट का अवार्ड था, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम सर को मिलता था, भारत रत्न श्री एपीजे अब्दुल कलाम सर को मिलता था। अच्छा और आज मैं उस लाइन में खड़ी थी उस समय, क्या मुझे वो उपाधि दी जा रही थी, डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा करके बुलाया जा रहा था। तो उसकी फीलिंग भी कुछ और अलग थी। मैं चाहती थी कि मेरा पूरा देश मुझे देख पाए, और वो पल को, और मैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही थी कि मैं अपने देश का, अपने अम्बेडकर नगर लेकर के बता पाऊँ कि मैं उस छोटे से डिस्ट्रिक्ट से हूँ जहाँ लोग सोचते हैं कि एक एक बैरियर लड़कियों के लिए होता है, कि एक बैरियर है कि आगे नहीं जा सकते, किसी की कोई भी रीजन हो सकता है, चाहे पैसे का प्रॉब्लम हो या फिर समाज के रूप में देखने का लेकर के। लेकिन मैं उस बैरियर को तोड़ करके, और आज मैं लंदन की उस यूनिवर्सिटी में खड़ी हूँ जहाँ लोगों का सपना होता है जाना, तो उस यूनिवर्सिटी के मेन स्टेज पे और मेन डॉक्टरेट के पद लेते हुए, तो बहुत ही एक असीम खुशी थी मुझे, जो शायद शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए। और मैंने पूरे अपने अम्बेडकर नगर को और हमारे जो सोल्जर होते हैं, मैंने उनको ये अवार्ड उन्हीं को, उन्हीं के नाम किया है, कि उनको ये उनकी उनके नाते मुझे मिल पाया है, उनको समर्पित किया है। अंबेडकर नगर जिले की रहने वाली अरुणिमा सिन्हा ने लंदन के ग्लासगो यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की मानक उपाधि पाने के लिए कहा कि ये अवार्ड जो है देश में जो सेना के जवान हैं उनको ये अवार्ड समर्पित। पंकज मिश्रा, ईटीवी भारत, अम्बेडकर।